नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और मेरे साथ मौजूद है एस एन छपरा जी, अरोरा जी, इनको जानते हैं लोग, इस नाम से जाने जाते हैं। और आज ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में शांति सहयोग, जो कि गांधीयन एनजीओ के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया था, इस कार्यक्रम की एक झलकी आप देख लें। और ये कार्यक्रम जो हुआ, किसके सानिध्य में हुआ, किसके तत्वावधान में हुआ, और शायद सपरा जी अगर नहीं होते तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाता, संभव ही नहीं हो पाता। तो जितना भी ये बड़ा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सभी इनके तत्वावधान में और मार्गदर्शन में हो पाया, इनके आशीर्वाद से ही हो पाया। और ये जो महिलाओं को जो हम सम्मान समारोह में आज बुलाए थे, सर की ही सोच थी। और इतनी बड़ी सोच को लेके सर पूरे टीम मेंबर को प्रेरित किए और हम सभी लोग लगे हुए थे। पत्रकारिता जरूर करता हूँ, बट निजी तौर पर सम्मान की जो एक कड़ी है, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अरोरा जी ने ये कार्यक्रम का रचयिता आप कह सकते हैं, और क्या कहें, मैं तो इनके मानता के सामने सलाम करता हूँ। और सर आने वाले दिनों में खासकर शांति सहयोग के माध्यम से इतने वर्षों से आप जनता की सेवा कर रहे हैं, और अगर खासकर संगम विहार, जैसे आपने एक मिशन भी लिया है कि मिशन संगम विहार, क्या करेंगे सर मिशन संगम विहार के लिए, खासकर संगम विहार की जनता आपको देखेगी, तो आप संगम विहार जनता के लिए कुछ मैसेज सर? मैं मैसेज यही दे सकता हूँ कि मैं किसी भी गरीब आदमी की समस्या, कोई भी किसी प्रकार की समस्या सुलझा सकता हूँ बैठ के। आप मेरे पास आइए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। हर समस्या का समाधान आप समझ पा रहे हैं, यानी कि तन मन धन से सपरा जी साथ हैं, हमारे साथ तो हैं, और आने वाले दिनों में इसका आगाज कर रहे हैं। आज की डेट में कभी माइक में नहीं आते थे, आज मैंने बहुत जबरदस्ती करके कि सर आप एक बार बोलिए, क्योंकि आपको लोग, आपका चेहरा लोग देखें, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम, इतने सारे कार्यक्रम राइज इंडिया फाउंडेशन जहां पर मौजूद है, और पीछे से इतने बड़े एनजीओ को चला रहे हैं, वर्षों से चला रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरोरा जी हैं इसके मेन सूत्रधर और संयोजक, वर्षों से जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं, इस कड़ी को ये संगम विहार में लेके आ रहे हैं। और मेरे साथ बैक स्टेज में काफी बात की है, यकीन मानिए आने वाले दिनों में संगम विहार का एक एक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी प्रकार के परेशानी में कोई गुजर रहा हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सपरा जी के माध्यम से आपको जरूर पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सर को सर नंबर वगैरह साझा कर पाए हम लोग, या मैं नंबर मेरे पास है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो जरूर मैं सर के साथ आपको मुलाकात करवा दूंगा। यानी कि कोई भी परेशानी, यानी कि कोई भी तन मन धन से परेशानी हो, आप लोग आए बात कीजिए, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। सर आपको तहे दिल से मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा से दुआ करूंगा कि आपको, आपकी उम्र लंबी हो और 50,000 साल हो, ताकि आप इसी प्रकार से जो मानसिकता से वर्षों से आप जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से सेवा भाव से सेवा करते रहें। 50,000 साल की उम्र नहीं चाहिए मुझे, जो बाकी उम्र बची है मुझे सेवा करने में व्यतीत करने दीजिए अच्छी तरह। बस मैं वही चाहता हूँ कि जो बाकी मेरी उम्र है, मैं गरीब आदमियों की सेवा ही करना चाहता हूँ। थैंक यू जी सर। आपको भी परमात्मा जरूर, जो इस प्रकार से मानसिकता में जीते हैं, परमात्मा क्यों नहीं देगा उनको लंबी उम्र, जरूर देगा। और आप सर, आपका पुनः तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से संगम विहार के स्लम एरिया में गरीब जनता की आप मदद करते रहेंगे सर। थैंक यू। सैल्यूट और जय हिंद, वंदे मातरम।